नाज़रीन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच के दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर जी। साकिब, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जो इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को तब्दील किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलदम करार दिया, लेकिन दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो उसको सुनकर फैसला करे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला जो है वो डिवीजन बेंच में चैलेंज हुआ है, कल उस पर समाअत होगी। जस्टिस मियांगुल हसन और अजदेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। पीटीआई के जो तीनों उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ये सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया है और ये कहा है कि सिंगल बेंच का फैसला कलदम करार दिया जाए और अदालत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली हुई थी उसको भी कलदम करार दें। ठीक है साकिब, आपका शुक्रिया।